हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही हम सभी लोग एक चीज़ से बहुत परेशान हो जाते हैं और वो है पसीना। पसीने से आखिर कौन परेशान नहीं होता। जी हाँ, ज़्यादातर लोगों को पसीना बिल्कुल ही पसंद नहीं होता। पसीना ना हो इसके लिए लोग महंगे महंगे साबुन का उपयोग करते हैं, पर फिर भी पसीना तो होता ही है। अगर हम कुछ भी काम कर रहे होते या फिर धूप में खड़े होते या फिर दौड़ रहे होते, उस टाइम पर हमें बहुत ही ज़्यादा पसीना होता है। और गर्मियों के मौसम में तो पसीने से बुरा हाल हो जाता है। और गर्मियों में इतना ज़्यादा पसीना होने की वजह से आप सभी के मन में एक सवाल तो आया ही होगा कि आखिर ये पसीना होता क्यों है। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि हमें पसीना क्यों होता है और ये पसीना होना हमारे सेहत के लिए अच्छा है या नहीं। पसीना होना हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो अब बात ये आती है कि आखिर पसीना होता क्यों है। हम सभी की बॉडी पर छोटे छोटे छेद होते हैं। क्या आपको पता है ये छेद क्यों होते हैं? हमारे बॉडी पर जो छोटे छोटे छेद होते हैं, पसीना शरीर के बाहर वहाँ से ही आता है। जब भी हम कोई काम करते हैं या फिर धूप में खड़े होते हैं तभी पसीना आता है, क्योंकि उस वक्त हमारी बॉडी बहुत ही गर्म हो जाती है। हमारे गर्म शरीर को ठंडा करने के लिए पसीना शरीर के बाहर निकलता है, और पसीना निकलने की वजह से हमारे बॉडी का तापमान 2 से 3 डिग्री तक कम हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस है जैसे कि हम कोई गर्म चीज़ को ठंडा करने के लिए उस पर पानी डालते हैं। हमारी बॉडी में पानी तो होता ही है, और जब भी हमें गर्मी लगती है तो यही पानी पसीने के रूप में बाहर निकलता है, और पसीना हमारी बॉडी को ठंडा करने में मदद करता है, और इस वजह से पसीना होना हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। तो देखा आप लोगों ने हमें पसीना क्यों होता है। तो आगे से जब भी पसीना हो तो परेशान बिल्कुल भी मत होना, यह हमारे शरीर के लिए अच्छा ही होता है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप और भी अमेजिंग फैक्ट वीडियोस देख सकें।